इन दो चीजों को एड्रेस कर लें। एक तो वो कहते हैं कि जी लोड शेडिंग आप लोगों ने टाइम पे मुआहदे नहीं किए, आप लोगों ने फ्यूल नहीं मंगवाया, फ्यूल सस्ता मिल रहा था, मिसाल के तौर पे एलएनजी सस्ती मिल रही थी, आप लोगों ने नहीं मंगवाई, आप लोग मुआहदे करके नहीं गए, नंबर वन। नंबर टू वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी थी, उसका एक लॉजिक वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवंबर या दिसंबर की, जिसमें आप खुद भी कह रहे हैं कि हर महीने 4 रुपये हमें लेवी में इजाफा करना पड़ेगा या पेट्रोल प्राइस में, तो वो उसको लॉजिक के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप लोग चूंकि अपने जाने से पहले स्टैग्नेंट कर गए थे, आप लोग हॉल्ट कर गए थे प्राइसेस, जिसकी वजह से बारूदी सुरंगें बिछ गईं, इसको एड्रेस कर दें सर। मैंने पत्नी कितनी दफा कर चुका हूँ लेकिन आपके प्रोग्राम में नहीं किया, तो अभी करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो जो है 60% जो आपकी एलएनजी है ना, वो तो बड़े मुआहदे जो हमने कतर से किए हुए हैं, इन्होंने किए थे 13.7% ऑफ ब्रेंट के ऊपर किया और हमने 10.2% ऑफ ब्रेंट किए, उससे सस्ते अच्छा। पे किए। उसके बाद स्पॉट है, बाकी 40 जो है स्पॉट है जी। और स्पॉट का मतलब ये नहीं होता कि 3 साल के स्पॉट हो या 4 साल के स्पॉट ले लें, हम स्पॉट होते स्पॉट ना, 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने के आगे के, उसके बाद प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, तो हम भी तो भुगत रहे थे ना, ये प्राइसेस अभी तो नहीं बढ़ी, ये प्राइसेस जो है पिछले 6-7 महीने 8 महीने से बढ़ रही है और हमने भी भुगता उनको, लेकिन हमने कभी लोड शेडिंग नहीं होने दी क्योंकि हम फ्यूल मंगवा लेते थे वक्त पे, क्योंकि हमारे पास पैसे भी होते थे और ऑब्वियसली लोगों का ख्याल भी होता था, और ये नहीं होता था कि हम जो एक दफा बिजली महंगी बन गई और उसके बाद वो लोगों को फिर हम लोगों ने वो करे, नहीं, हम प्रोटेक्ट करते थे लोगों को। क्यों प्रोटेक्ट करते थे? क्योंकि हम पैसे क्रिएट करते थे, हमारा जो रेवेन्यू है हम अपने रेवेन्यू टारगेट से भी ऊपर थे, 29% हमने रेवेन्यू इंक्रीज किया।